नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारे चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां हम मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफ़ी सारे वीडियोस लेकर आते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सकें। आइए दोस्तों, चैट जीपीटी का एक बहुत ही खास फीचर लेकर आए हैं आपके सामने। अब चैट जीपीटी से जो है, आप अपनी भाषा में, जिसको हम व्हाट्सएप लैंग्वेज कहते हैं, उसमें भी चैट कर सकते हैं और बहुत ही शानदार जवाब ये देने वाला है। मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पर डेमो दिखाता हूँ। मान लीजिए हम पूछते हैं, और चैट जीपीटी क्या हाल है। ये देखिए, हमने इसे पूछा है हिंदी में, और चैट जीपीटी क्या हाल है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं, ये इन्होंने पूछा है। मैं अगला क्वेश्चन करता हूँ, कुछ मज़ा नहीं आ रहा है लाइफ में। ये देखिए, हमने इनसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया है, ऐसा क्यों लग रहा है, क्या कोई स्पेसिफिक वजह है, या बस ओवरऑल मूड थोड़ा लो है। कभी कभी किसी से बात कर लेना या अपने मन की बात शेयर कर लेना भी बहुत हेल्पफुल हो सकता है। मैं यही हूँ सुनने के लिए। देखिए, ये आपकी कितनी ज़्यादा मदद कर रहा है दोस्तों। और ये बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज में हम लिख रहे हैं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, कोई शेर सुना दो अच्छा सा फहमी साहब का। ये देखिए, मैं फहमी साहब का कोई शेर सुनना चाहता हूँ। बिल्कुल, फहमी साहब दिल साहब के शेर दिल को छू जाने वाले होते हैं। कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, ज़रा फासले से मिला करो। ये देखिए दोस्तों, चैट जीपीटी कहाँ तक पहुँच गया है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। फहमी साहब का शेर इनके डेटाबेस में उपलब्ध है। ये शेर अक्सर ज़िंदगी की हकीकत को बहुत खूबसूरती से बयां करता है। आपको कैसा लगा, क्या बात है, बहुत खूब। भाई भी लिख देते हैं, देखते हैं क्या आंसर आएगा। शुक्रिया फहमी साहब, के अल्फाज सच में दिल को छू लेने वाले होते हैं। आप भी अगर कोई पसंदीदा शेर या गज़ल शेयर करना चाहें तो ज़रूर बताएं। शायरी के इस सफ़र में साथ मिलकर चलते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, कितना एक्यूरेट ये रिप्लाई मुझे दे रहा है, और भी बहुत ही कमाल चीज़ है। मैं मान लीजिए एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछता हूँ, कल शेयर मार्केट इतना डाउन क्यों हुआ था। ये एक जनरल क्वेश्चन पूछ लेते हैं, देखते हैं इसका क्या जवाब आता है। मैं अभी पता करता हूं कि कल शेयर मार्केट में इतनी गिरावट क्यों आई थी, एक मिनट दीजिएगा। कल शेयर मार्केट में गिरावट के पीछे कुछ खास कारण था। सबसे पहले कारण था यूएस फेडरल रिजर्व की मीटिंग से पहले की अनसर्टेनिटी, जिसकी वजह से लोग क्यूज हो गए थे। इन्वेस्टर्स को डर था कि अगर इंटरेस्ट रेट्स में काफ़ी बदलाव हुआ तो उसका इम्पैक्ट ग्लोबल मार्केट पर पड़ेगा, इसलिए लोग अपने शेयर्स बेच रहे थे। दूसरा मेजर फैक्टर ओवरबॉट कंडीशन थे। मार्केट ने पिछले कुछ दिनों में काफ़ी रैली की थी, जिसकी वजह से प्रॉफिट बुकिंग ज़्यादा है हुई और मार्केट गिर गया। यूएस डॉलर रेट्स में रिबाउंड और वीक यूएस जॉब डेटा ने भी मार्केट सेंटीमेंट को नेगेटिव किया है। और देखिए, प्रॉपर नीचे लिख कर दे रहा है, इन सब फैक्टर की वजह से सेंसेक्स और निफ्टी दोनों की लगातार गिरावट में रहे पिछले कुछ सेशंस में। और यहाँ दिख रहा है हिंदुस्तान टाइम्स और मिंट, ये डेटा यहाँ से उठाकर लाया है। लेकिन आपको आपके प्रश्न का जवाब प्रॉपर उसने हिंदी भाषा में, जिसको व्हाट्सएप लैंग्वेज हम कहते हैं, उसमें दिया है। एक तारीफ हो जाए, तुम कमाल की चीज हो यार सही में। देखते हैं तारीफ सुनकर क्या कहता है। बहुत बहुत शुक्रिया यार, आपकी अप्रिसिएशन का जवाब नहीं है, आपको मदद करके मुझे भी खुशी मिलती है। अगर कभी भी कोई सवाल या कोई भी बात शेयर करनी हो बस बता देना। एक और क्वेश्चन पूछते हैं, सबसे अच्छा। अच्छा चैट जीपीटी, मुझे इंग्लिश में 10 मल्टीपल टाइप्स क्वेश्चंस की एक टेबल बना कर दो,
जिसमें करेक्ट ऑप्शन अलग से लिख कर देना और ये क्वेश्चंस इंडियन करंट अफेयर्स पर होने चाहिए। ये मैंने प्रॉम्प्ट लिख दिया है दोस्तों, टेक्निकल भाषा में क्वेश्चन पूछने को प्रॉम्प्ट कहते हैं। अच्छा चैट जीपीटी मुझे इंग्लिश में 10 मल्टीपल टाइप्स क्वेश्चंस दीजिए, टेबल में बनाकर दीजिए और करेक्ट आंसर भी लिख देना भाई साथ में, और इंडियन करंट अफेयर्स पर। चलिए एंटर हिट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये देखिए दोस्तों कमांड मिल गई है, हियर इज़ अ टेबल विद 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन योर करेंट इंडियन अफेयर्स अलॉन्ग विद द करेक्ट ऑप्शंस क्लियरली मैंशन। देखिए कितनी खूबसूरती से ये लिख के दे रहा है कि हमारे करेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है 2024 के मुताबिक, ऑप्शंस हैं और आंसर है। कौन सा राज्य रिसेंटली जिसने लॉन्च किया है ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को, ऑप्शन है आंसर है। इंडियाज़ फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो वॉस इनॉग्रेटेड इन विच सिटी, क्वेश्चंस ऑप्शंस हैं आंसर्स हैं। कितने ही जल्दी ये 10 क्वेश्चंस बनाकर दे दिए हैं, आप इनका कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यूनिक हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, बना भी सकते थे लेकिन जब ज़माना फॉलो कर रहा है इन चीज़ों को तो हम भी करें, अच्छे मकसद के तहत करें, बहुत अच्छा होगा। और देखिए ये क्वेश्चन हो गए हैं, अब आया है लेट मी नो इफ़ यू नीड एनी मोर इन्फॉर्मेशन और एडजस्टमेंट। हम लिखते हैं प्लीज़ ये मुझे हिंदी में लिख कर दीजिए। अब हिंदी में मांग लेते हैं तो सारी टाइपिंग, ये रहा आपके लिए हिंदी में 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के टेबल जो करंट इंडियन अफेयर्स बेस्ड हैं। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश 2024 तक कौन है, ये आपको प्रॉपर लिखकर दे देगा दोस्तों। अब क्योंकि लिमिट आ गई है चैट जीपीटी में तो देखते हैं ये क्वेश्चंस पूरे हो पाते हैं या नहीं, क्योंकि नीचे एक मैसेज आने लगा है कुछ दिनों से कि आपने अपनी लिमिट क्रॉस कर ली है। तो जितना भी फ्री में डेटा दे रहा है लेते जाइए, अच्छा काम कीजिए, आगे बढ़िए, और बहुत ही अच्छा ये तरीका है अपनी नॉलेज को बढ़ाने का। कुछ क्वेश्चंस जो आपको गूगल पर दुनिया में कहीं मिल ना रहे हों उनको यहाँ पर ढूंढने की कोशिश कीजिए, कहीं सुना हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन जिस तरह से ये क्वेश्चन बनाता है, अभी तक काफ़ी सारे AI सिस्टम्स इसको फॉलो कर रहे हैं, इसका पीछा कर रहे हैं, इसको पछाड़ नहीं पा रहे हैं। ये रही सही कसर इसने आखिरी में ख़त्म कर दी है, ये क्वेश्चन आंसर बनाना, हिंदी में बनाना, इंग्लिश में बनाना, और एक जो इंग्लिश होती है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है इंडिया में, व्हाट्सएप पर लिखा जाता है क्या हाल है KYAH AA LHAI, इस तरीके से ये देखिए लिखकर दे दिया है। और ये हमारे 10 क्वेश्चन पूरे हुए, आपको और कोई मदद चाहिए तो ज़रूर बताएं। ये कभी नहीं थकेगा, कभी नहीं हारेगा, कभी आपको ऐसा नहीं होगा कि जवाब ना दे। मैंने 10 पूछे हैं, आप 100 पूछ सकते हैं, वो 1000 भी लिखकर दे देगा। थोड़ा सा लिमिट का इशू होता है, उसको आप देख लीजिएगा, लेकिन आपके बहुत अच्छे बहुत सारे काम कर सकता है। चलिए शुक्रिया बोल देते हैं। शुक्रिया भाई, चलता हूँ, गुड नाइट, कल फिर मिलूँगा। जैसे हम किसी इंसान से बात कर रहे हों सामने, बिल्कुल वैसा ही नज़ारा है। शुक्रिया, आपका दिन अच्छा गुजरे और गुड नाइट, कल फिर मुलाकात होगी, ख्याल रखना। तो दोस्तों इस वीडियो को पसंद कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में बताइए, खूब बताइए, जितना शेयर कर सकते हैं कीजिए, नॉलेज बढ़ाइए, सभी के काम आए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट के माध्यम से बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज, थैंक यू।